गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था। ओके, अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो, सबसे पहले तो ये समझना है चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें सबसे पहला फर्स्ट टर्म आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब हमें पता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, है ना, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, लाइक एक्स वाई जेड। ओके, देन फिर टू वेरिएबल, तो उसका मतलब जो इक्वेशन हो उसमें टू वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई वाई जेड ए बी, कोई भी टू वेरिएबल होना चाहिए। फिर आता है लीनियर इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर का पूरा नेम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल हमें पता चल गया, टू वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल्स हो गए, इक्वेशन यानी वो हमें पता है जिसमें इज इक्वल टू आता हो। हमने पॉलिनोमियल में डिफरेंस चेक किया था, पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू नहीं आता, इक्वेशन में इज इक्वल टू होता है। और लीनियर मतलब कि मैक्सिमम पावर 1, है ना, मतलब कि मैक्सिमम पावर 1। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2x + 3y = 5, तो बोलो यहाँ पे इज इक्वल टू आई मतलब इक्वेशन हो गया, यस एग्जैक्टली। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से है, एक्स और वाई, मतलब टू वेरिएबल हो गए, यस एग्जैक्टली। और एक्स की पावर 1, वाई की पावर भी 1, मतलब वो लीनियर भी हो गया। तो ये जो टर्म हमें मिला वो हमें मिलता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बोलो डन, पता चला पक्का, चैप्टर का नेम पता चल गया अभी। ओके, चलो उसका जो कॉमन फॉर्मेट है वो हमें ये है हमारे पास, ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन का कॉमन फॉर्मेट है। देखो, इज इक्वल टू मतलब इक्वेशन, लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, और टू वेरिएबल मतलब x और y, दो वेरिएबल हो गए। बोलो डन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो कॉमन फॉर्मेट है वो कौन सा है हमारा, ax + by + c = 0। बोलो क्लियर, डन बेटा, पता चला सबको 100%। ओके, तो चैप्टर का नेम क्या है वो पता चल गया ना अभी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। चलो, हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। चलो देखो, फिर से टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ, मैं यहां पे लिखता हूं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। चलो, ये हमारा स्टेटमेंट है ना। चलो तो बेटा देखो, हमें क्या दिया हुआ है, नोटबुक का कॉस्ट दिया हुआ है, पेन का कॉस्ट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट बी अ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज एक्स। ओके, डन। और कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज वाई। बोलो यहां तक क्लियर। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, यहां पे एक्स लिखा, यहां पे वाई लिखा। ओके, मुझे दोनों को सिमिलर करना है। चलो, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से ट्वाइस मतलब टू टाइम्स है, है ना। तो देखो, ये नोटबुक की प्राइस है,
ये पेन की प्राइस है, नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस से कितने टाइम्स है, टू टाइम्स। मतलब पेन की प्राइस को मैं टू से मल्टीप्लाई करूं, देन एंड देन बोथ आर सेम, है ना, पता चला। तो देखो यहाँ पे नोटबुक की प्राइस है, यहाँ पे पेन की प्राइस है, अगर मैं पेन की प्राइस को टू से मल्टीप्लाई करूं, देन एंड देन बोथ आर सेम। बोलो क्लियर बेटा, डन। एक और एग्जांपल बोलता हूँ, देखो हमें पता है नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस से ट्वाइस है। सपोज कर लो नोट पेन की नोटबुक की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो पेन की प्राइस कितनी होगी, 5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और 5। अगर मुझे दोनों को सेम करना हो तो मुझे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही तो किया, 2y को 2 से मल्टीप्लाई, देन एंड देन बोथ आर सेम। बोलो ये हमने इक्वेशन बना दिया, पता चला। तो हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, अभी इसको ऑपोजिट ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर बेटा, तो ये हमें क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोलो डन, पक्का क्लियर, ओके। चलो अभी ये कॉमन फॉर्मेट आपको सबको याद है, पता चल गया, ओके। अभी ये याद रखो, क्यों, क्योंकि आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। चल बड़ा, अभी हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें हर एक इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना, ये है ना। चलो और उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलो बेटा, सबसे फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। चलो सबसे फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होना चाहिए, हमें इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है, मतलब इज इक्वल टू के बाद 0 चाहिए, तो ये जो टर्म है उसको हम सामने ले जाना पड़ेगा हमें। तो चलो 2x प्लस 3y, बोलो ये प्लस है, सामने आएगा तो माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, ओके। चलो तो हमें ये फॉर्म में पुट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। तो कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट a, सो a इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3, ये y का कोएफिशिएंट b, यानी b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू 9.35 बार, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी c इज इक्वल टू -9.35 बार, इंक्लूडिंग साइन हमें पुटअप करना है। बोलो डन बेटा, पता चला सबको, यस और नो, है ना। चलो सेम वे सेकंड सम पे आ जाओ, उसमें हमें बोला हुआ है x माइनस, एक ही मिनट, सेकंड सम x माइनस 5/5 -10 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है ना। चलो तो एक काम करते हैं, ये जो टर्म है ना उसको मैं ऐसे लिखूं, x माइनस ये जो अपन डिनोमिनेटर में 5 उसको मैं साइड में ले लेता हूं 1/5 करके, और इनटू y, ऐसे हम लिख सकते हैं या एक्जैक्टली लिख सकते हैं, क्यों, जो न्यूमेरेटर में उसका भी मल्टीप्लीकेशन न्यूमेरेटर से ही होता है, तो y इंटू 1y अपन 5, ओके। और -10 इज इक्वल टू 0, बोलो हमने इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डन। चल अभी हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम ax plus by plus c is equal to 0 के साथ कंपेयर करें, तो हमें a क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, सो a यानी 1, बी का वाई का कोएफिशिएंट यानी बी मतलब -1/5, सो बी इज इक्वल टू -1/5, और कांस्टेंट वैल्यू यानी सी यानी -10, सो सी इज इक्वल टू -10। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला अभी है, पक्का, ओके। चलो तो उसमें थर्ड नंबर भी हमारे पास है, देखो सम नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है,
माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। ओके चलो हमें क्या करना है, हमें पता है सबसे फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा स्टेप कौन सा होना चाहिए, इज इक्वल टू के बाद जीरो लाना है। सो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये प्लस है सामने आ जाएगा तो माइनस, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में। ओके चलो अभी हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो यानी माइनस टू, बी यानी y का कोएफिशिएंट यानी थ्री, और c यानी कांस्टेंट वैल्यू मतलब माइनस सिक्स इंक्लूडिंग साइन। बोलो क्लियर बेटा, सबको पता चला ये पक्का 100%। ओके चलो सेम वे हमारे पास सम नंबर फोर भी है, उसमें हमें इक्वेशन फोर दिया हुआ है। देखो इक्वेशन फोर हमारा है x इज इक्वल टू थ्री वाई, x इज इक्वल टू थ्री वाई। ओके चलो x इज इक्वल टू थ्री वाई हमें क्या करना है, हमें इज इक्वल टू के बाद जीरो लाना है। तो एक काम करते हैं ना, इसको सामने ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। हमें जो फॉर्म चाहिए वो हमें मिल गया, नहीं यहाँ पे x y और कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे है नहीं। तो एक काम करते हैं, उसको बोल सकते हैं एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हमने जीरो पुट कर दिया। ओके अभी ये जो इक्वेशन है उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कैसे कंपेयर करें, है ना। तो x का कोएफिशिएंट 1 है यानी a इज इक्वल टू 1 मिल गया, y का कोएफिशिएंट माइनस 3 है यानी b इज इक्वल टू माइनस 3 मिल गया, और कांस्टेंट वैल्यू 0 है मतलब c इज इक्वल टू 0 मिल गया। बोलो डन बेटा, पता चला सबको पक्का 100%। ओके इजी। चलो सेम वे हमारे पास सम नंबर 5 है, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। चल बेटा 2x इज इक्वल टू माइनस 5y हमें दिया हुआ है ना। तो सेम वे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू के बाद 0 लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ माइनस है सामने आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो एक काम करते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, है ना। चलो तो अभी एक काम करो, हम क्या करते हैं इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें। सो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x का कोएफिशिएंट 2, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y का कोएफिशिएंट 5, एंड कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं मतलब 0। बोलो डन बेटा, पता चला सबको पक्का 100%। ओके चलो तो उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें दिया हुआ है। देखो उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, ये वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे y वाला टर्म है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ओके और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो है ही, क्या किया जो वेरिएबल नहीं था उसको 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्यों 0 इंटू समथिंग 0 ही होने वाला है तो वापिस ये मिल जाएगा, लेकिन अभी तो हमें वो फॉर्म में लिखना है इसीलिए ये लिखना कंपलसरी है। बोलो डन। तो अभी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट 3, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई का कोएफिशिएंट 0, और कांस्टेंट वैल्यू सी यानी 2 2 2। बोलो डन बेटा, जो नहीं था उसको 0 देके ऐड कर दिया, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी तो 0 लिख दी, यहाँ पे वाई वाला टर्म नहीं था तो 0 देके ऐड कर दिया। अभी सम नंबर 7 देखो, उसमें हमें क्या बोला हुआ है, देखो वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है हमें, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा, x वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 देके ऐड कर दे। सो 0x y का कोएफिशिएंट प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। बोलो डन बेटा,
ओके क्लियर, पता चला ना सबको? ओके तो अभी ए यानी एक्स का कोएफिशिएंट मतलब जीरो, बी यानी वाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब प्लस वन यानी वन, और सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी माइनस टू। बोलो डन बेटा, पता चला सबको? ओके उसके बाद हमारे पास सम नंबर एट भी है। देखो सम नंबर एट में हमें क्या बोला हुआ है, फाइव इज इक्वल टू टू एक्स, है ना। चलो तो एक काम करते हैं बेटा, क्या करेंगे, ये जो फाइव है उसको हम सामने ले जाते हैं, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, टू एक्स ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, लेकिन हमें वाई वाला टर्म नहीं दिया है तो हमें क्या करेंगे, टू एक्स वाई वाला टर्म नहीं तो उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर माइनस फाइव तो है ही इज इक्वल टू जीरो। बोलो हो गया अभी जो चाहिए वो, तो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में से हम कंपेयर करेंगे, सो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, और कांस्टेंट वैल्यू c इज इक्वल टू माइनस 5। बोलो डन बेटा, तो पता चला सबको ये क्या किया, क्या किया उसमें हमें जो भी कोई इक्वेशन दिया था उसको ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसी से कंपेयर करके हमने a b और c की वैल्यू फाइंड की। बोलो डन बेटा, अभी ये चैप्टर नंबर 4 क्या है पता चल गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब पता चला सबको, उसका कॉमन फॉर्मेट ax plus by plus c इक्वल टू 0 कैसे है वो पता चल गया सबको बेटा, डन ना पक्का? ओके तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। ओके बोलो डन है पक्का? ओके तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये सारे सम्स आपको टू टाइम्स लिखने हैं। ओके डन क्लियर।